हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी कल कैसा मोमेंटम कर सकता है। कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो आइए देखते हैं क्या ट्रेड अपन कल ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट आज फ्लैट ओपन होके मार्केट ने जो है नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दिया, लेकिन इमीडिएट जो है मार्केट ने अपर साइड में जो है मार्केट ने दो कैंडल जो है बुलिश यहाँ पे फॉर्म कर दिए फर्स्ट आधे घंटे के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में, अगर ये वाले स्विंग के ऊपर अगर मार्केट 5 या 15 मिनट्स का कैंडल अगर क्लोज करता है, तो आप जो है वो 40-50 रुपये स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे डाल के जो है 1:1 पे जो है आपका रिस्क जो है यहाँ पे आप ले सकते हो। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आपको जो है 1:1 का मिला होगा। अभी मार्केट जो है अपर वाले साइड में जो है मार्केट ट्रेड कर रहा है, और मार्केट ने क्लोजिंग भी जो है अपर वाले साइड में दिया है 36,795 यानी 36,800 पे मार्केट ने जो है क्लोजिंग दिया है। अगर मार्केट कल ये स्विंग के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है 36,800 के ऊपर, तो इमीडिएट टारगेट अपना हो जाएगा 37,000। अगर 37,000 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट का अगर कैंडल क्लोज करता है, या फिर 15-20 मिनट इसके ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करना चालू करता है, तो आपका इमीडिएट टारगेट जो है वो 37,200 के पास जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको अगर 37,000 के ऊपर अगर मार्केट ने सस्टेन करना चालू किया, तो आप यहाँ पे जो है वो एक 30-40 रुपये का एसएल जो है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको 1:1 या 1:2 जो है वो प्रॉफिट कल मिल सकता है, क्योंकि कल फेड का मीटिंग भी है। आज फेड का मीटिंग है, कल मतलब आज रात को रिजल्ट आएगा। कल अगर अपने अपने इंडिया में अपने को कल सुबह मिलेगा, मतलब कल सुबह अपने आपको अपने रिजल्ट जो है वो पता चलेगा। 0.75 बेसिस पॉइंट तो मार्केट को सस्टेनेबल रहेगा। मार्केट अगर इसके ऊपर कुछ फेड अगर ये करता है बढ़ाता है, तो फिर मार्केट में शार्प फॉल या शार्प अपवर्ड जो है अपवर्ड मूवमेंट जो है आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप सेकंड हाफ में ट्रेड कीजिए। 12 बजे के बाद अगर कौन से भी साइड में अगर मार्केट मोमेंटम देता है, तो आप जो है 30-40 रुपये स्टॉप लॉस करके जो आप ट्रेड जो है यहाँ पे कर सकते हो। अगर मार्केट ने समझो यहाँ पे आपको नेगेटिव कैंडल बना दिया है 37,000 के ऊपर फर्स्ट हाफ में या फिर सेकंड हाफ में, तो मार्केट का रेंज जो रहेगा वो यही रहेगा 37,000 से लेके 36,600 तक, इसके बीच में मार्केट जो है वो यहाँ पे मार्केट रह सकता है। 300-400 पॉइंट का यही रेंज जो है मार्केट के लिए कल रह सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं निफ्टी। निफ्टी में भी सिमिलर मूवमेंट हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे से साइड में मार्केट ने ब्रेक डाउन तो दिया, लेकिन इमीडिएट मार्केट जो है यहाँ पे जो है वो रिवर्स हो गया। मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्विंग के नीचे अगर मार्केट अगर क्रॉस करता है, तो अब यहाँ पे भी जो है वो ट्रेड ले सकते हो। आपको यहाँ पे भी 1:1 का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आराम से मिला होगा। हाँ, थोड़ा हार्ड है लेकिन मिला होगा, यहाँ पे 10-20 पॉइंट कम ज्यादा मिले होंगे। अगर समझो कल अगर मार्केट 16,600 के 650 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो आपका इमीडिएट टारगेट जो है वो ये वाला रेजिस्टेंस है जो जहाँ से मार्केट जो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था 16,750 के आसपास। ठीक है, अगर समझो मार्केट कल गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे के साइड में अगर मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाना चालू किया, तो आपका इमीडिएट टारगेट जो है 16,450 से लेके 500 तक आ जाएगा। सिमिलर केस बैंक निफ्टी में भी है। अगर बैंक निफ्टी में भी अगर मार्केट ने नीचे के साइड में अगर मार्केट ने ट्रेड करना चालू किया, मतलब ये वाले स्विंग के नीचे जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ये वाले स्विंग के नीचे अगर मार्केट ने ट्रेड करना चालू किया, ये स्विंग अब आ जाएगा 36,500 के पास। अगर इसके नीचे अगर मार्केट ने ट्रेड करना चालू किया, प्राइस एक्शन बना के आपका इमीडिएट टारगेट जो है वो 36,200 होगा। सिमिलर केस निफ्टी में भी है। नीचे अगर मार्केट ने ट्रेड करना चालू किया 16,500 के नीचे, अगर मार्केट गैप डाउन खुला और नीचे के साइड में अगर ट्रेड करना चालू किया, तो आपका इमीडिएट टारगेट जो है 400 के पास जो है वो यहाँ पे आ सकता है।
क्योंकि मार्केट ने एक पॉजिटिव मूवमेंट में पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट में आज हुआ है और पॉजिटिव सेंटीमेंट में जो है मार्केट जो है क्लोज हुआ है। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट में अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट जो है उसी उसी डायरेक्शन में जो है मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों की पोजीशन जो है वो यहाँ पे अनवाइंड होंगी जिन्होंने यहाँ पे आज पी शॉर्ट करके रखा होगा। वो अगर मार्केट नीचे खुला या उनको नेट टू नेट में कुछ दिखेगा या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से भी वो निकालेंगे तो शॉर्ट कवरिंग में आपको 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो आराम से जो है मिल सकता है। ऑप्शन चेन देख लेते जैसे कि आप देख सकते हो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो यहाँ पे खड़ा है वो 37,000 पे खड़ा है और सपोर्ट जो है वो यहाँ पे 36,500 इसके बीच में भी है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 37,000 के ऊपर अगर मार्केट ने प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर के साइड में गया तो 38,200 आपका इमीडिएट टारगेट हो जाएगा। अगर नीचे के साइड में अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया 38,500 के नीचे तो इमीडिएट टारगेट जो है आपका 36,200 तक मार्केट जो है आराम से जा सकता है। निफ्टी देख लेते निफ्टी में भी 17,000 एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस जो है 16,800 उसके बाद 16,700 सपोर्ट जो है 16,500 के पास है 80 लैक्स 83 लैक्स कॉल 83 लैक्स पुट्स यहाँ पे खड़े हैं, उसके बाद 16,400 पे अच्छा खासा सपोर्ट है और 16,600 पे भी यहाँ पे जो आप देख सकते हो सपोर्ट है। सिमिलर केस अगर ऊपर वाले नीचे ऊपर वाले साइड में अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया तो ये कॉल जो है वो सब अनवाइंड होंगे, यहाँ पे भी आपको जो 100 से 150 120 पॉइंट का मूवमेंट जो यहाँ से आपको आराम से देखने के लिए मिल सकता है। 16,750 तक मार्केट जो है वो आराम से जा सकता है अगर ये कॉल जो है यहाँ पे अनवाइंड हुए तो। PCR देख लेते हैं, PCR भी जो है वो निफ्टी का 1:18 है, मतलब बुलिश है, ठीक है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का भी PCR जो है 1:25 है, बुलिश है। बेस ट्रेड अगर मंथली एक्सपायरी में अगर कल जो रहेगा ना, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ये दो रेजिस्टेंस अगर मार्केट क्रॉस करता है सेकंड हाफ में तो यहाँ से आपको 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट जो है आराम से जो है वो आपको मिल सकता है, लेकिन ये स्विंग मार्केट ने जो है वो क्रॉस करना चाहिए 36,800 से लेके 36,700 तक। 36,700 तक नीचे वाले साइड और 36,900 के ऊपर मतलब 37,000 के ऊपर आपको 100-150 पॉइंट का मूवमेंट जो आराम से यहाँ पे मिल सकता है। अभी के लिए इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कल।